हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिएटिविटी फॉर यू। आज हम कोलाज बनाएंगे, सर्कल में बनाना सीखेंगे। तो चलिए, हमने ये 12-18 का पेज ले लिया है। ये देखिए, इस टाइप से इसका साइज है, 12-18, रेजोल्यूशन 200। पहले हम कोलाज का टेम्पलेट बना के तैयार कर लेते हैं। यहाँ से हमने कलर लिया और ये ऑल के साथ डीप दबाया, कंट्रोल यू दबाया, यहाँ से ये सर्कल लिया। ये हम फ्रेम का यूज़ कर रहे हैं, फ्रेम कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करेंगे, फिर कंट्रोल शिफ्ट एन दबाएंगे, ये आ जाएगा, लेयर दिखाएगा, फिर इसको एंटर करेंगे, फिर ऑल्ट के साथ डिलीट प्रेस करेंगे, फिर इसको हम ब्लैक कर लेंगे। इस तरीके से हमारा ये सर्कल बनेगा। ऑल्ट के साथ ES करके हम इसको बॉर्डर क्रिएट करेंगे। ये हमारा बॉर्डर क्रिएट हो गया। अब हम इसको सेट कर लेते हैं। ये देखिए, हम इसको इस तरीके से सेट करते हैं क्योंकि हमारा ये कोलाज बहुत ही प्यारा बनके तैयार होगा। आप भी बना सकते हैं। इस टाइप से ऑल के साथ कॉपी करते हैं इसको, इस टाइप से इसको हम सेट कर देते हैं ठीक से। सबसे पहले वाले पर क्लिक करा, शिफ्ट दबाया, शिफ्ट के साथ क्लिक करा, राइट क्लिक करा और मर्ज कर दिया। इसको हम कहीं भी ड्रैग कर सकते हैं। ये हमारा 12-18 कोलाज का, सर्कल वाले कोलाज का टेम्पलेट तैयार हो गया। अब चलिए हम इसमें फ़ोटो डालते हैं। तो फाइल में जाकर यहाँ से भी फ़ोटो ओपन कर सकते हैं हम। इस फोटो पर क्लिक करा, ओपन किया, कंट्रोल AX और W से, W टूल से हटता है, फिर हम इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से ये मैजिक वॉन्ट टू ये सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट B, कंट्रोल T, फिर शिफ्ट और ऑल्ट के साथ इसको हम छोटा करेंगे इस टाइप। ये देखिए, दूसरे तरीके से भी हम इसमें फ़ोटो ओपन कर सकते हैं डेस्कटॉप पर, जैसे कि हमारे इसमें है, ये फ़ोटो हम डाल चुके हैं और इस टाइप से इसको हम फोटोशॉप में ड्रैग करेंगे, कंट्रोल AX और W, फिर वही सेलेक्ट करा, W2 यानी मैजिक सेलेक्शन हमारा, कंट्रोल शिफ्ट V, कंट्रोल T और शिफ्ट और ऑल्ट के साथ इसको हमने छोटा करा। चलिए तो हम फटाफट ये फोटो डाल लेते हैं। AX मैजिक टू सिलेक्शन, कंट्रोल V, इस तरीके से छोटा करा। इस तरीके से हमने ड्रैग करा फोटोशॉप में, AX W सेलेक्शन, कंट्रोल शिफ्ट V, कंट्रोल T, ऑल्ट शिफ्ट के साथ, ये ध्यान रखना फ्रेंड, ऑल्ट शिफ्ट के साथ ही हमें छोटा करना है, वरना ये फ़ोटो हमारा ख़राब हो जाता है। अगर हम ऑल्ट शिफ्ट को नहीं दबाएंगे, कंट्रोल T करके हम इसको ऐसे छोटा करेंगे तो ये हमारा फ़ोटो, ये देखिए, ये ख़राब हो गया। ऐसे हमें नहीं करना है।
ड्रैग किया ए एक्स और डब्ल्यू। ये देखिए ये हमारा सर्कल वाला कोलाज रेडी हो रहा है। एक हम ये वाली ले लेते हैं। अब हमारी लास्ट पिक रह गई है ये वाली, इसको भी हम डाल लेते हैं ए एक्स। इसको हम हाईलाइट करेंगे इस टाइप से, राइट क्लिक करके फ्लिप हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हैं, किसी भी तरफ हम मोड़ सकते हैं, इसको टर्न कर सकते हैं। और ई यानी इरेजर टूल से हम इस टाइप से इरेज कर सकते हैं। बैकग्राउंड सेट करके जी टूल प्रेस किया, ये जी शॉर्ट फॉर्म है ये जी, फिर ऑल दबाया, ऑल के साथ यहाँ पे क्लिक करके डिलीट दबा दिया, यही कलर आ जाएगा। हम चाहें तो बैकग्राउंड में कोई और भी कलर डाल सकते हैं, कुछ और भी डाल सकते हैं, ये वाला ग्रीन कलर डाल सकते हैं। और भी कोई बैकग्राउंड हम डाल सकते हैं पीछे बैक में, जो कि सुंदर लगेगी देखने में। ये देखिए ये हमारा कोलाज बनके रेडी हो गया है।